की तैयारियों की बात करें तो इस मामले में एनडीए ने बाजी मार रखी है। दिल्ली में जेपी नड्डा की बैठक में जो निर्देश पारित हुआ उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जाकर काम कर रहे हैं। वहीं जेडीयू भी वर्चुअल रैली के जरिए अपनी ताकत झोंक रखी है। कमोबेश कांग्रेस भी तैयार है लेकिन आरजेडी कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो क्या इस चुनाव में महागठबंधन पिछड़ गया है? चुनाव की तैयारियों में जुटा एनडीए, जेडीयू और बीजेपी ने झोंकी ताकत, कांग्रेस तैयार पर आरजेडी हो गई पीछे। दिल्ली से मंत्र लेकर लौटे बीजेपी दिग्गजों ने जमीन पर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बूथ लेवल तक वर्चुअल के जरिए एक्चुअल राजनीति करने में कार्यकर्ता और नेता जुट गए हैं। जेडीयू भी इसी तरह की तैयारी कर रही है और उन दोनों की तैयारी विपक्ष की तैयारी से कोसों आगे है। एसी कमरे में बैठकर और सेंटर टेबल पर चाइनीज भोजन चाउमीन खाते हुए और ये लोग वर्चुअल रैली करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। वर्चुअल रैली करने के लिए तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। और अब अगर राजद या कांग्रेस जैसी पार्टियां कोई कोशिश भी करें तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर तो खैर वो कहीं टिकते नहीं है। दरअसल चुनाव के इस मैदान में कोई इनका आधार ही नहीं बचा है और बिहार की जनता ने इन्हें धूल चटाने का ठान रखा है, इसलिए इस तरह के सिगुफों का कोई औचित्य नहीं है। वैसे बीजेपी और जेडीयू की तैयारियों को लेकर कोई सवाल नहीं है लेकिन विपक्ष की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस तैयारी कर रही है, वर्चुअल रैली का आगाज 1 सितंबर से हो रहा है, पर आरजेडी का क्या? आरजेडी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी ही बड़े पैमाने पर 1 तारीख से ही 100 विधानसभा क्षेत्रों में सीधे जनता से संवाद करेगी, वर्चुअल रैली कर रही है जिसमें कम से कम 10,000 लोग उसमें सम्मिलित होंगे और हो सकता है कई जगह तो उससे भी ज्यादा हो। विपक्ष जो है बहुत पहले से तैयारी में लगी हुई है, तैयारी कर चुकी है, जनता के साथ जो है मिल करके जो है इनको उखाड़ फेंकने के लिए आज विपक्ष की सारी शक्तियां जो हमारी है एनडीए को उखाड़ फेंकने में हम कामयाबी हासिल करेंगे। बीजेपी और जेडीयू की तैयारी से आरजेडी को फिक्र नहीं है। क्यों नहीं है इसका जवाब तो वो ठीक से नहीं दे रही, लेकिन इसी तरह से बेफिक्र रहे तो वोटिंग के दौरान मुश्किल न खड़ी हो जाए।